आज जरा बात करते हैं दो ऐसे टीम्स के बारे में जो है यूएई और यूएसए। जी हाँ, यूएई यूएसए की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल जो इन दो टीमों को देखने के बाद, इन दोनों का जो क्रिकेट है उसको फॉलो करने के बाद यही समझ में आता है, सारे इनके स्ट्रक्चर्स को फॉलो करने के बाद समझ में आता है कि यहाँ पर क्रिकेट रन हो रहा है या फिर बिजनेस रन हो रहा है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज बड़ा देखने को सवाल भी मिल है। निकल कर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी है, और हम चाहेंगे इसे आप पूरा जरूर सुने इस वीडियो को, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ये टीमें तो कहने के लिए क्रिकेट टीमें हैं और लगातार क्रिकेट में, और ओडीआई की टीमें हैं, एक टीम ने बहुत अच्छा वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस भी किया T20 वर्ल्ड कप में, जी और एक हाँ, टीम ने एशिया कप के लिए क्वालिफाई फिलहाल करती बिल्कुल हुई नजर आई है। तो क्रिकेट टीम है तो जरूर, लेकिन क्या सच में उस तरीके का क्रिकेट ये लोग इन लोग यहाँ पर ऑपरेट हो भी रहा है, या फिर यहाँ पर बिजनेस ने टेक ओवर कर लिया है क्रिकेट के ऊपर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए, या इसे आप थोड़ा और बेहतर डिस्क्राइब कर पाएंगे जी कि हाँ आखिर कैसे यूएसए और यूएई में क्रिकेट अब पहले नंबर पर नहीं रहा, बिजनेस पहले पे आ गया है, क्रिकेट शायद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। बिल्कुल सही कहा है आपने। देखिए, अगर सबसे पहले यूएई की बात कर लेते हैं, सबसे पहले यूएई को समझ लेते हैं कि यूएई में पिछले कुछ सालों से क्या चल रहा है। सबसे पहले यूएई में अगर आप देखेंगे, डोमेस्टिक के नाम पर ऐसा कोई स्ट्रांग बेस है। आप पहले डोमेस्टिक पर नजर डाल लें, 50 ओवर का T50 है, T20 है, D10 है, अबू धाबी T10 वो लीग आ जाता है, और ILT20 प्रोफेशनल लीग आ जाता है। तो लीग हो गए, डोमेस्टिक कुछ नहीं बचा, कोई लॉन्गर डेज जी डोमेस्टिक यहाँ कुछ भी नहीं है, सीधा T20 और T50 ही यहाँ सब कुछ है। अकेडमीज जो रन हो रही है यूएई में, अगर आप देखेंगे, अमीरात में है, फुजायरा में है, शारजा में है, कुछ अकेडमीज हैं जो नेशनल सीधा बोर्ड से कनेक्टेड है, जी यानी कि यूएई अमीरात बोर्ड से सीधा कनेक्टेड है। कुछ बोर्ड वही रन्स करते हैं ट्रायल वगैरह, और T50 से प्लेयर को चुनते हैं बहुत जल्दी, अर्ली स्टेज में T50 से चुन लेते हैं। कोई वहां पर 5 साल 6 साल खेला हो किसी ने, तब जाकर वो टीम में आए हो, ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और एक चीज, यूएई पिछले कुछ सालों से कोई भी रीजनल फाइनल या क्वालिफायर्स इवेंट नहीं ले रहा है, नहीं अपने यहाँ पर होस्ट करवा रहा है। क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है, जब से ILT20 शुरू हुआ है, जी एक हाँ वो, और मिस्टर मुबासिर उस्मानी ने कहा था अभी पिछले साल ILT20 जब शुरू होने से पहले कि वुमेन्स क्रिकेट लीग भी हम चालू करने जाएंगे बहुत जल्द, हम वुमेन्स का एक पूल बनाएंगे और बाहर से भी फुल मेंबर्स की वुमेन्स टीम की लेकर आएंगे, वो भी एक प्रीमियर लीग हम शुरू करने जा रहे हैं, जस्ट लाइक इंडिया ने शुरू किया वुमेन्स प्रीमियर जी लीग। हाँ तो ये सबसे बड़ा रीजन है यूएई में। आप देखें, ILT20 शुरू हुआ, वुमेन्स प्रीमियर लीग आएगा, अबू धाबी T10 है एक रीजन, क्वालिफायर्स वगैरह से वो पीछे हट चुके हैं जी हाँ, और ये सब पूरी रीजन है कि तरीके हम से। देख रहे हैं कि जो यूएई बहुत सारे क्वालिफायर्स कराता था, अचानक से उनका जो इंटरेस्ट है वो इन चीजों में अब कम हो गया है, जी कि हाँ, रीजनल क्वालिफायर्स हुए या फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स हुए, या अब एशिया रीजनल फाइनल्स को देख ले, रिसेंटली इतने ज्यादा क्वालिफायर्स रहते नहीं है। अब देखिए बिडिंग में ये फैक्ट है, बिडिंग में तो यूएई को हरा भी नहीं अरे पाएगा, ये बिल्कुल, बहुत सिंपल सी बात है। अगर बिडिंग पे यूएई उतरने के लिए आया, एशियाड लेवल्स पे हम बात कर रहे हैं, तो कौन हरा पाएगा? नहीं हराने वाले, डेफिनेटली उनका वो बिडिंग में उतरते जरूर है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी के लिए उतरते हैं जरूर कि नहीं जरूर हाँ उतर रहे, ये लीजिए हमारी पहली बोली ये रही, और उसके बाद फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं, वरना कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिल्कुल यूएई बिल्कुल, लाइन से 10-10 क्वालिफायर एक के बाद एक होस्ट करा सकता क्यों है, नहीं। लेकिन उनका पूरा टारगेट जो है वो लीग्स पे जा रहा है इस वक्त, ILT20 पे जा रहा है, और उसी चीज को फोकस कर रहे हैं, और उस और ILT20 लीग में जाने का मतलब है कि कंप्लीट तरीके से जो है वहां पर मॉड्यूल जो है वो बिजनेस जो है वो टेक ओवर पूरा करता जा रहा है पूरा क्रिकेट पे। इतने सारी चीजें आने के, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी जो बेस है जिससे क्रिकेट प्लेयर्स मजबूत होते हैं वो बड़ा खोखला नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा है आपने। और देखेंगे आप तो डोमेस्टिक के लिए कुछ नहीं है, अगर आप देखें प्लेयर कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, कौन सा फॉर्मेट, कितना लंबा खेलेंगे फॉर्मेट, इसका कोई एक क्रिटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है, बहुत स्मार्ट तरीके से यहाँ पर ये करने की कोशिश की जा रही है कि मिस्टर मुबासिर उस्मानी, जो कि CEC भी है मिराज क्रिकेट के, क्रिकेट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जी हाँ वो बहुत स्मार्ट तरीके से क्रिटेरिया करने में भी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अगर आप जी हाँ देखेंगे, स्मार्ट ये तरीका है उनका कि वो 2-3 महीने बाद किसी फुल मेंबर को बुलाते हैं और क्रिटेरिया कंप्लीट करने के लिए एक मैच जीत जाते हैं। जी हाँ ये बहुत स्मार्ट वे है, और ये मैंने कहीं पढ़ा था, जो कि बहुत मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बहुत शानदार लगा ये और तरीका। यहाँ पर हम क्लियरली जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज से सहमत नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्कॉटलैंड नीदरलैंड ही अगले फुल मेंबर्स होंगे, जरूर या इनमें से जरूर, एक होगा, मत रहिए इस गलतफहमी डेल्ट, ये बार बार चीजें उठा चुका है यूएई, जो करने की कोशिश कर रहा है वो सब हैरान हो जाएंगे जब उनको फुल मेंबरशिप मिल जाएगी स्कॉटलैंड नीदरलैंड के साथ साथ, क्योंकि ये वाकई आपने सही कहा, बहुत स्मार्ट तरीके से वो कर रहे हैं कि हर बीच में लाके वो फुल मेंबरशिप सीरीज कराते हैं बस T20 बस का, उन्हें पता है कि कम से कम एक मैच तो, अगर हम एक मैच भी अगर हम जीत गए तो हमने फुल मेंबर वाला क्रिकेट धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ा है, एक अभी जो यूएई जिस रास्ते पे चल पड़ा है, वो ये दो रास्ते हैं, लीग का, कॉर्पोरेट का,
बिजनेस पूरा बिजनेस हैंडल करने का, और दूसरा और अगर आप देखेंगे स्मार्ट वेज जो एक रास्ता निकाल रहे हैं वो क्रिटेरिया को कंप्लीट करने का बहुत बड़ा रास्ता है ये कि वो इसको टिक करते 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 चले जा रहे हैं। तो अभी अगर आप देखें यूएई किस वे में है, डोमेस्टिक के लिहाज से उनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेस्टिकली वो बिल्कुल नहीं है, वहां पर बिल्कुल नहीं है, के बराबर है वो दो ही टूर्नामेंट है D50 और बस दो ही टूर्नामेंट है। और प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से देखें स्पॉन्सरशिप कंपनीज बिजनेस तो बहुत ज्यादा है वहां पर, बाहर की कंपनियां आकर वहां सेट कर चुकी है, लीग में सेट कर चुकी है, चाहे अबू धाबी T10 हो या IL T20 और आने वाले वक्त में वुमेन्स क्रिकेट। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई यूएई की। यूएई जो है बिजनेस सेटअप के तौर पर और स्मार्ट क्रिकेट के तौर पर इसे देख रहा है यहाँ पर, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग जो आप बेस तैयार करेंगे यंग प्लेयर्स का फैलाने फूलने में बिल्कुल सही काम है, उसमें जो इनिशिएटिव है वो यूएई क्रिकेट बिल्कुल नहीं ले रहा। जब भी आप यूएई क्रिकेट की बात करेंगे तो वो या फिर कोई अगर एग्जाम्पल भी देगा तो IL T20 के परफॉर्मेंस को लेकर आएगा, जैसे T20 सब कुछ है आपको भूलना नहीं, आप एक ODI टीम भी है, आपको उसमें भी बेहतर करना है, उसमें यूएई ने कुछ भी बेहतर खासा किया नहीं। ये सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर टीम के साथ जुड़ी हुई नजर आती है। यूएई में आप देखें होम में खुद का परफॉर्मेंस कितना खराब है जो हमने कल ही आपके सामने रखा, और ODI क्रिकेट में यूएई जो है वो काफी ज्यादा हमें बहुत ज्यादा लचर नजर आती है। T20 में सिर्फ अच्छा कर देने से काम नहीं बनेगा, वो एक आप उसमें अच्छा कर रहे चाहिए ठीक है, लेकिन ODI में जहां पर एक बेस स्ट्रांग होना चाहिए डोमेस्टिक के नाम पर कुछ भी यहाँ पर नजर नहीं आएगा। सिर्फ IL T20 लीग का बार बार एग्जाम्पल चिपकाना, वहां लड़के खेल रहे हैं, वहां एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, अरे वो तो T20 का एक्सपीरियंस गेन है यार। तो फिर आप एक काम करिए, आप ODI स्टेटस लूज कर दीजिए, आप चैलेंज लीग की टीम के साथ खेलिए, क्योंकि वहां पर T20 का स्टेटस है, वहां आराम से सारा दिन T20 खेलते रहिए, क्योंकि वहां पे भी चैलेंज लीग का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। तो ये सोचना होगा, अगर आप ODI टीम है, अगर ODI स्टेटस है तो इसमें भी जरा फोकस करने की जरूरत होगी। एंड आप USA के बारे में कह रहे थे कि वहां स्मार्टनेस के नाम पर भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट बिजनेस ओवरटेक कर चुका है, क्योंकि USA के पास तो फंडिंग नाम की भी चीज नहीं है, इतना सब कुछ कराने के बावजूद भी वो फंड को लेकर स्ट्रगल करते हैं। क्लियरली पता चल रहा है कि जो भी आ रहा है सब बिजनेस प्लान लेकर जा रहे हैं, वही लगा रहे। ये आपने सही कहा, मेजर लीग में आप पब्लिक देख रहे होंगे कि पब्लिक आ रही है, वैसे तो स्टेडियम खाली है जी, बिल्कुल खाली है, लेकिन फिर भी जो पब्लिक वहां आ रही है वो भी जो टीम्स हैं जो मेजर लीग की टीमें हैं वो टिकट्स को सेल कर अपने ही लोगों से वहां बुलाए जा रहे हैं, ऑफर्स दिए जा रहे हैं वो लोग वहां आ रहे हैं, उसके भी पैसे जो है वो USA क्रिकेट को नहीं मिलेंगे, वो मेजर लीग की टीमों को मिलेंगे, जो वहां की टीमें हैं, बाहर के बिजनेसमैनों ने वहां पर पैसे लगाए हुए हैं उनको। और एक और चीज जो यहां पर है, USA क्रिकेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खत्म हो चुका है, कोई फैसले कोई एक जना ले रहा है, दो जना ले रहा है, और मुसीबत में पूरे का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आ जा रहा है। अगर अभी बात करें, अभी हाल में ही यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक कमेटी जो है उन्होंने ICC से शिकायत की थी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है USA का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ICC ने एक पर्सन को लगाया हुआ था USA क्रिकेट में, वो है मिस्टर मुराद, जी हाँ, उनको ICC ने रखा था कि वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखे, सब कुछ वहाँ फॉलो करें, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है उसको भी देखे। अभी वर्ल्ड कप से कुछ महीने पहले ही USA क्रिकेट ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि वो ICC की तरफ से लगाए गए थे। तो इसी पे एतराज जताया था यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक कमेटी, और इस पर शिकायत की थी ICC से कि इस पर एक्शन लिया जाए और इस बोर्ड को टेम्परली बैन कर दिया जाए USA क्रिकेट पर। तो ICC ने उस वक्त कहा था कि वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप तक हम इसे नहीं करेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद हम इसे मीटिंग में जरूर लेकर आएंगे। देखते हैं, मीटिंग होने ही वाली है बहुत जल्द, तो उसमें देखेंगे क्या होगा, क्या फैसला लिया जाएगा। पर प्लेयर्स भी यहाँ खासे नाराज हैं, क्रिकेट को कराने में USA में कोई इंटरेस्ट नहीं, डोमेस्टिक को अगर आप देखेंगे इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी होता है 5 महीने 6 महीने का गैप चला जाता है, कोई अता पता नहीं होता, कोई टूर्नामेंट, हाँ U19 वर्ल्ड कप आने वाला है तो उसके लिए अब चालू कर दिया है फटाफट, U15 का चैंपियनशिप, U19 का चैंपियनशिप, बस ये जब आएगा जरूरत पड़ेगी तब करेंगे, वरना 5-6 महीने के लिए बक्से के अंदर चले जाए। ये हाल है USA क्रिकेट का भी, मैनेजमेंट खत्म है, नाम के CEO और चेयरमैन बने हुए हैं, ग्रुप बाय दिन डिस्प्यूट होता रहता है, बहुत डिस्प्यूट, आप जो गद्दी में बैठे पता नहीं है 2 दिन बाद उनके खिलाफ कौन खड़ा होकर उन्हें गद्दी से उतार दे, बस। और बैलेंस का भी कोई वो नहीं है, फाइनेंशियल का भी कोई एक प्रॉपर आपके पास हिसाब जिसे कहते हैं हम कि एक प्रॉपर पूरे साल का आपके पास एक अच्छा बना हुआ एक पूरा फाइल हो, या आपने कहाँ खर्च किया, कितना खर्च किया, इससे आपको कितना मिला, इस सीरीज में आपको कितना लगा, जैसे कि हमने देखा भी था आयरलैंड के खिलाफ जो USA की सीरीज हुई उसको लेके खासा बवाल भी हुआ था USA क्रिकेट में। जी क्रिकेट को लेकर अगर आप देखेंगे
तो बिल्कुल क्रिकेट नहीं हो रहा, डोमेस्टिक पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर फिर वही बात यहाँ पर भी आती है, मेजर लीग क्रिकेट बाहरी लोग चला रहे हैं, सेम यूएई की तरह जैसे IT20 बाहरी लोग चला रहे हैं। जहाँ भी बाहरी आए हैं वहाँ पर मेजर लीग और IT20 तो बहुत हाईलाइटेड नजर आता है, पर वहाँ का क्रिकेट पॉपुलर करने में ग्रासरूट लेवल बिल्कुल सही कहा आपने, ग्रास रूट लेवल पर खत्म हो चुका है। उठने में 50 साल और लगेंगे अगर हम ग्रास रूट लेवल की बात। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये सबसे बड़े रीजन रहे हैं कि दूर से, जैसे आप दूर से लोग कहते हैं कि दूर से जो चांद भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जैसे आप करीब जाते रहेंगे तो आपको उसमें दाग नजर आते रहेंगे। ये जो एग्जांपल देते हैं वही हाल है। IT20 लीग और मेजर लीग को इस तरह से परोस कर सामने सेट किया गया है कि उसमें ये लोगों को लगे कि इसके अलावा नीचे जो है सब कुछ बहुत टॉप और बेहतरीन चल रहा है। क्या चकाचौंध देखिए, अरे अयान अफजल खान आप देखें तो आदिल रशीद के साथ मिलकर एक साथ टीम में बॉलिंग कराए, फील्डिंग कराए, वाह क्या एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि एक T20 टूर्नामेंट है और T20 से बढ़कर भी आपको बहुत कुछ है। यहाँ पर एक ऐसा टीम स्ट्रॉन्ग टीम बनने के लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे भी काम करना होता है, आपको डोमेस्टिक भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। बहुत बहुत सारे यंग प्लेयर्स को लाने के लिए, यानी कि आप एक प्लेयर्स को लाए T20 में डाल दिया और उसी प्लेयर को लेकर आप चले हैं ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए, ओडीआई स्टेटस को सेव करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है कि ऊपर से चीजें अच्छी लग रही है लेकिन अंदर ही अंदर ये जो है यूएई और यूएसए को खोखली कर रही है ग्रास रूट लेवल पर और बेस लेवल। ऐसा ना हो कि आप ऊपर ही रह जाए और नीचे से कोई बेस जो है वो आपका उड़ जाए तो आप आराम से सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यूएई का तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है यार कि यूएई का जो इस वक्त फोकस है वो है फुल मेंबर बनने। बिल्कुल, ये आप माने ना माने, यूएई का जो फोकस है वो फुल मेंबर बनने में, वो सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें वो ज्यादा उन्हें क्रिटेरिया ना करना पड़े। बस वो लुभाने कुछ क्रिकेट बोर्ड्स को अपने अंडर अप्रोच करें कि भैया ये सब हमारे साथ है, अब ये भी कह रहे हैं कि फुल मेंबर दीजिए और ये हमें करने पड़ेगा। क्योंकि जो मोहम्मद सर की आपने बात की, उन्होंने ये पहले ही कह दिया था एक साल पहले कि हमारा जो पूरा टारगेट है वो नेक्स्ट फुल मेंबर बनने को लेकर है, तो उसके लिए हमें जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे और वो जो जो बन भी पड़ रहा है वो कर भी रहे हैं। तो यूएई का टारगेट क्लियर हमें समझ में आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है आपको यूएसए और यूएई क्रिकेट के बारे में, ग्रास रूट लेवल क्रिकेट के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर जरूर रखिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।